कोई गुड़िया मिल जाएगी। हमारा चैप्टर है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। देखिए पहले हमको ये समझना है कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, एडेप्टेशन का क्या मतलब है और किस तरह से एनिमल्स एडेप्ट कर लेते हैं जिस भी क्लाइमेट में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा सबसे पहली बात क्या है, वेदर। तो वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। हम लोग हमेशा नहीं कहते आज का वेदर अच्छा नहीं है, कहते ना वहां का क्लाइमेट ऐसा है। अब कोई सुना है क्या कंझावले का कोई अगर क्लाइमेट बोल दे कंझावले का क्लाइमेट ऐसा है, बुक से क्वेश्चन राइट डाउन करो, सारे क्वेश्चन राइट डाउन कर लो आगे तक। तुम बैठे क्यों हो, सारे चार एक्सरसाइज दिए थे मैंने 25 तक। देखो तो वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी छोटे जगह का जो मौसम में या कोई भी जो चेंज होता है ना, वेदर मतलब कि मौसम, हिंदी में मौसम का वेदर। तो थोड़े समय के लिए जो चेंज होता है उसको कहते हैं वेदर। जैसे देखो अभी तो धूप निकली है ना बहुत अच्छी, अभी क्या हो ना कि बहुत ज्यादा बादल कहीं से हवाओं के साथ बादल आ जाए और बारिश होने लगे तो हम कहेंगे कैसा वेदर हो गया, रेनी वेदर हो गया, वेदर चेंज हो गया रेनी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अभी क्या है, मान लो कि बहुत अधिक धूप निकली हुई और तेज हवाएं तूफान आ जाए तो स्टॉर्म आ गया, अचानक आ गया ना, तो अचानक जो भी मौसम में चेंज आ जाता है, ठीक है, थोड़े ही समय में कुछ घंटों में या कुछ दिनों में चेंज आ जाए उसको हम कहते हैं वेदर। वेदर समय के हिसाब से बदलता रहता है। अभी तो पढ़ाना है डीपली में, लेकिन सबसे पहले टॉपिक समझा दूं आपको, क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट किसी भी जगह पर 75 इयर्स तक, 75 सालों तक जहां एक ही जैसा मौसम का पैटर्न हो उसको वहां का क्लाइमेट कहते हैं। इंडिया में ठीक है अप्रैल स्टार्ट से लेकर के सितंबर तक क्या होता है, सॉरी जुलाई तक क्या होता है, गर्मियां पड़ती हैं, समर का सीजन रहता है। जुलाई अगस्त और थोड़ा सा सितंबर का महीना भी ले लो, 15 सितंबर तक या पूरा सितंबर मॉनसून का सीजन रहता है, रेनी सीजन या बारिश पड़ती है। अक्टूबर और नवंबर का महीना ऑटम का रहता है, मतलब 15 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर से लेकर के 15 नवंबर तक क्या होता है, ऑटम। ठीक है, पतझड़ का मौसम। फिर 15 नवंबर से लेकर के 15 फरवरी तक क्या होता है, विंटर का सीजन, मतलब सर्दियां। फिर 15 फरवरी से बेटा लेकर के 15 अप्रैल तक, एक तरह से लो 15 फरवरी से 15 मार्च और 15 मार्च से 15 अप्रैल तक बसंत का मौसम होता है, स्प्रिंग सीजन होता है। तो ये 2020 में भी ऐसा था, 2021 में भी ऐसा हो रहा है, पिछले साल आप देखो या आज से 70 साल पहले का भी देख लो तो भाई जून में गर्मी पड़ती थी, आपके दादाजी भी बताएंगे, मेरे दादाजी बताएंगे कि गर्मियां पड़ती थी। तो किसी भी प्लेस पे अगर 75 ईयर तक वेदर का एक ही पैटर्न हो, मौसम वाइज, महीने वाइज, मंथ वाइज एक ही जैसा मौसम होता है तो उसको वहां का क्लाइमेट का, जो 75 सालों तक एक ही जैसा रहे। लेकिन वेदर क्या होता है, मिनटों में कुछ घंटों में चेंज हो सकता है। अभी धूप है, हो सकता है 3-4 बजे तक पूरा तूफान आ जाए, बारिश हो जाए, है ना, इसको कहेंगे वेदर। क्लियर है, वेदर कुछ समय के लिए, कुछ दिनों में, ठीक है, या कुछ मिनटों में, कुछ आवर्स में, कुछ घंटों में चेंज हो जाता है उसको वेदर कहते हैं। ठंडा है तो गर्म हो जाएगा, धूप है तो बारिश हो जाए, धूप अच्छी निकली है तो बहुत सारे बादल आ जाए, हवा नहीं चल रही है तो तूफान चलने लगे, ये सब वेदर होते हैं, वेदर का चेंज, मौसम का चेंज। क्लाइमेट जो 75 सालों तक एक ही जैसा है। ठीक है, अब देखिए हम बताते हैं, वेदर एंड क्लाइमेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट डिस्कस वेदर एंड क्लाइमेट एंड देन डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट आर एडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ द हैबिटेट। पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वेदर क्या होता है, वेदर से जुड़ी हुई सारी चीजें, उसके बाद पढ़ेंगे क्लाइमेट, कितने अलग अलग तरह के क्लाइमेट होते हैं और
थर्ड पॉइंट में जो हम क्या पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक में, कि अलग अलग क्लाइमेट में या वेदर में लोग कैसे अडॉप्ट करते हैं। खुद सोचिए, मान लीजिए कि अब आर्कटिक रीजन में, चलो आर्कटिक एरिया में जहां सालों भर बर्फ रहती, तो वहां क्या पाए जाएंगे? वैसे जानवर पाए जाएंगे जो ठंडी को सह सकते हैं। पोलर बियर देखा है ना, व्हाइट कलर वाला जो भालू होता है, बड़ा वाला सफेद भालू पोलर बियर कहते हैं। उसके अंदर फैट की दो तीन लेयर होती है, ऊपर से फर इतना ज्यादा होता है। देखो अगर 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है बेटे भैया, अगर 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाए सर्दियों में, तो हमारी हालत खराब होने लगती है, रजाई में से निकलते नहीं हो। सोचो -30 डिग्री हो जाए, 0 पे तो बर्फ जम जाता है, और अगर -30 डिग्री की बात करें तो कितना ज्यादा कम टेम्परेचर हो गया। तो अगर -30 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाए ना, तो पोलर बियर को गर्मी लगने लगती है, वो पसीने पसीने हो जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। वो -80 -60 डिग्री उसके लिए नॉर्मल, तो -30 होगा तो पता है वो क्या करता है, बर्फ में है ना लोटने लगेगा, अपने शरीर को रब करने लगेगा, जो पानी होता है ना आइसी वाटर जो होगा उसमें जाकर के लोट जाएगा, गुलाटियां मारने लगेगा, अपने शरीर को ठंडा करेगा। तो मेरे अब खुद सोचिए, आपने डिस्कवरी पे देखा ना लॉयन, शेर देखा होगा, डियर देख रखा होगा, जंगली भैंसे है ना जो वाइल्ड फेलोज होते हैं वो भी देखा होगा आपने, विल्ड बीस्ट देख रखा होगा डिस्कवरी अगर देखते हैं एनुअल प्लेनेट, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, और वो भी कहाँ, जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो आपको लगता है उनको फैट की लेयर चाहिए? जरूरत नहीं होती। उनका जो स्क्रीन का कलर होता है ना, ऐसा होता है जो धूप को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर दे। जेबरा देखा है ना आप लोगों ने, जेबरा व्हाइट कलर की और ब्लैक कलर की धारियां होती है। उसका दो फायदा है, पहला कि जो धूप पड़ेगी ना रिफ्लेक्ट होकर के टकरा करके लौट जाएगी, पहला फायदा तो ये। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा बेटा ये है कि जब वो झुंड में दौड़ने लगेंगे ना, तो शिकार जब होता है ना, जैसे मान लो शेर ने या चीता ने टारगेट किया कि भाई इतनी भीड़ में, वो पहले एक ही टारगेट करते हैं कि मेरे को उस जेबरा को पकड़ना। लगाई दौड़ शिकारी ने, पीछे पीछे लग गए। अब क्या हुआ ना, जब जेबरा दौड़ने लगते हैं तो पता ही नहीं चलता कौन सा जेबरा कैसे, क्योंकि सबकी धारी होती है, सब एक जैसे है ना, मिल जाते हैं, इसलिए शिकारियों को भी वो चकमा दे देते हैं। तो वही एडेप्टेशन है। भालू के अंदर 3 4 लेयर फैट की चर्बी वाली जो चमड़ी होती है, वो उसको सर्दी से बचाने के लिए भगवान ने दी, हमको तो नहीं दी है, ठंडे वाले जगहों पे ही दे रखी है ताकि वो ठंडे को एडॉप्ट कर सके। पेंगुइन देखा है ना हमने, पेंगुइन देखा होगा, उसके पास भी ऐसी लेयर होती है। अंटार्कटिका में तो और भी ज्यादा सर्दी पड़ती है, -80 -90 डिग्री तो नॉर्मल है, -70 -60 सुनने में कितना आसान लगता है ना, अगर उंगली दस्ताने से बाहर निकली तो उंगली बर्फ की तरह जम के ऐसी रह जाएगी, फिर से टक से तोड़ के गिरा, ऐसा हो जाएगा। अक्ष आवाज आ रही है तुम्हें? अक्ष यस सर। हाँ ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो एडेप्टेशन हो रहा है वो बताएगा, जो भी एडेप्टेशन है वो मौसम के हिसाब से होता है। आप कहते, हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान ने उनको ऐसा ही शरीर दिया है, ऐसा ही बॉडी पार्ट दिया है, ऐसा नहीं होता। लाखों सालों में एडेप्टेशन हुआ है, पहले क्या थी, क्या? हाँ बिल्कुल, वहां पे रहते हैं लोग, रहते नहीं, बिल्कुल रहते हैं आर्कटिक में ना, एस्किमो लोग रहते हैं। अब देखिए मैं आपको और भी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको अच्छे से। एनिमल भाई जान, इंसान से बड़ा कोई एनिमल है क्या? इंसान को जहां, जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, अफ्रीका में जहां जंगल है ना बेटा, जहां शेर आप देखते, इतने बड़े बड़े शेर देखते हो, वहां पे एक ट्राइबल जाति पाई जाती है, उसका नाम है मसाई, आदिवासी लोग है, ट्राइबल लोग जो जंगलों में रहते हैं। वो पता है एक आदमी है ना वहां पर मैनहुड, मतलब कि नहीं कहते हैं कि भाई मर्द आदमी, नहीं कहते हैं ताकतवर आदमी, जब तक एक आदमी ने शेर का शिकार नहीं किया तब तक उसकी मैनहुड प्रूव ही नहीं होती। उनको जरा कहना, कनिष्क कहना जरा चुप रहने के लिए, तो मास्टर सर फोड़ देगा उनका। ठीक है, तो
इंसानों से है ना कोई नहीं जीत सकता, इंसान हर जगह रहते हैं। अब देखिए मैं बता रहा हूं, हमने लद्दाख का नाम सुना है ना, हिमालय पे है पूरा एकदम सबसे अधिक हाइट पे, वहां बहुत सर्दी पड़ती है। हम और आप उतनी हाइट पे जाएंगे ना सांस नहीं ले पाएंगे। आप तो मैंने पहाड़ चढ़ने की तो बात छोड़ दो, अगर हम लोग पैदल भी चले ना बेटा तो हम लोग की सांस रुक जाएगी, इतनी ज्यादा मैंने की लो एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाता, ऑक्सीजन कम हो जाता है। लेकिन लद्दाखी लोग पता है वहां बच्चे क्या होते हैं, ऐसे दौड़ते हुए पहाड़ चढ़ जाते हैं, अपने गाय जो भी याक होती है भेड़ होती है उनको चराते रहते हैं पहाड़ों पे बर्फों पे। पता है कैसे होता है, लाखों साल में क्या हुआ, वहां पे रहने वाले लोग है ना फेफड़ा जो होता है ना लंग्स, उनका साइज हम लोग के लंग्स के कंप्लीट डेढ़ गुना बड़ा होता है। अब फेफड़ा बड़ा होगा तो आप एक बार जब सांस लोगे तो ज्यादा से ज्यादा हवा भरोगे, ज्यादा से ज्यादा हवा भरोगे तो ऑक्सीजन भी ज्यादा होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, हमारे जो ये नाक के सुराख होते हैं छोटे होते हैं, उनके हमारे और आपकी तुलना में डेढ़ गुने बड़े होते हैं। वो आदमी तो छोटे छोटे हाइट के होते हैं लेकिन उनके नाक के जो सुराख होते हैं नॉस्ट्रिल्स वो बड़े बड़े साइज के होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर ले सके। तो जो जहां रहता है वहां एडॉप्ट कर लेता है, पता है। अफ्रीका में रहने वाले लोग ब्लैक क्यों होते हैं, ब्लैक तो मेलानिन के कारण होता है, हमारी स्क्रीन स्किन जो है ये वाली जो ब्लैक हो रही है इसका मतलब उसको उतना ही मेलानिन है बॉडी में। फायदा क्या होता है अफ्रीका, अफ्रीका में गोरे लोग रहेंगे ना तो स्किन डिजीज से मर जाएंगे, जी नहीं सकते। तो ब्लैक का क्या फायदा होता है, ब्लैक पे जब भी लाइट पड़ती है ना सूरज की तो रिफ्लेक्ट होती है, ब्लैक लोग जो भी स्क्रीन वाले होते हैं स्किन वाले उनको गर्मी कम लगती है, और जो व्हाइट थोड़ी मैंने की हल्की अगर व्हाइट की, यहाँ पर कोई व्हाइट नहीं बैठा, व्हाइट मतलब पता है कैसा, अंग्रेज, मतलब कि एक थाली में दूध रख दिया और दूसरे अंग्रेज को रख दिया तो दोनों का कलर उजला ही हो, उसको कहते हैं मिल्की व्हाइट, वैसे आदमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा पता है, वो गर्मी में मर जाएगा। तो ये एडेप्टेशन है, मतलब कि प्रकृति के जैसी है हमारा एनवायरमेंट, क्लाइमेट जैसा हमने अपने आप को वैसा ही बना लिया। खुद सोचिए, चैप्टर में कुछ नहीं है, पहले तो मैं जो बता रहा हूं ना वो समझ लो तब चैप्टर का समझ पाऊंगा। अभी हमने फैन ऑन कर रखा है, जो बच्चे घर में होंगे एसी ऑन करके रखते हैं, क्यों, क्योंकि गर्मी ज्यादा है ना। लेकिन आप खुद सोचो, अब जो एनिमल्स घूम रहे हैं, जो सड़क पे ये डॉग वो घूम रहे हैं जो स्ट्रे डॉग है, उनको भी तो गर्मी लगती होगी, वो क्या करते हैं अभी या तो कहीं छांव में बैठ गए होंगे और नहीं तो है ना जो कीचड़ नहीं होता जो नालियां होती है उसमें जाकर के बैठ जाते हैं अपने आप को ठंडा करने के लिए। तो हम लोग इंसान है, हम लोगों ने अपने लिए सारी चीजें बना रखी है, जानवरों ने नहीं बना रखा है, वो लोग उस तरह से अडॉप्ट कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है, तो यही पूरा चैप्टर। आगे देखिए, अब हमारा जो एयर है, हवा जो बहती है आसपास, और एटमोस्फेयर ऑलवेज कंटेन, सनी किसी पे बारी है, आज कोई मार खाएगा मेरे से, दो मिनट हो गया, एक मिनट बेटा थोड़ी कुटाई करके आता हूं। देखिए बेटा, तो हमारे एयर में जो हवा बह रही है हमेशा वाटर वेपर होता है, भाप। देखो कैसे, जितनी भी अगर गर्मी पड़ रही है तो जितना भी पानी वाला इलाका होगा ना, नदी नाले जो भी होंगे, गर्म होकर के भाप बन के ऊपर उठेगा, तो वो भाप जो है कहाँ जाएगी बेटा, हवा में मिलेगी। जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, जितने प्लांट्स होते हैं, अपना एक्स्ट्रा वाटर, जरूरत से जो ज्यादा पानी होता है वो क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस के थ्रू अपने से वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं पत्तों से, और वो जो पानी भाप बन करके बाहर जाता है वो भी एयर में रहता है। तो वाटर का गैसियस फॉर्म जो पानी भाप की तरह है, मतलब कि हवा की तरह है, और ये वो कहां मिल जाती है, हवा में ही मिल जाती है। तो एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर मॉइस्चर या जो नमी होती है या जो वाटर वेपर होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कहते हैं। हवा में जो भी नमी होती है ना, गीलापन, वाटर वेपर जो भी होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ वाटर वेपर इन एयर।
एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर होता है हम उसको ह्यूमिडिटी में मापते हैं, जिसकी एयर की जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी मतलब कि उसमें मॉइस्चर उतना ही ज्यादा, उस हवा में उतनी ही ज्यादा नमी। ठीक है, अब जैसे मैं बता रहा हूं रेगिस्तान या डेजर्ट तो समझते हैं, जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो वहां की एयर में ह्यूमिडिटी कम होगी, मतलब वहां के हवा में नमी कम होगा। ठीक है, लेकिन जहां हमेशा बारिश होती है वहां के हवा में नमी ज्यादा होगा ना। इसका एग्जाम्पल और भी मैं दे सकता हूँ, अभी हवा में, एक सेकंड, नमी कम होगी लेकिन अगर थोड़ी देर बारिश हो जाए तो हवा में गीलापन बढ़ जाता है ना, समझ रहे हैं बात को? तो इसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी, मतलब जब, और एक बात और, जुलाई के महीने में जब गर्मी ज्यादा पड़ती है और बारिश हो जाने के बाद जब धूप निकल जाए ना तो कैसे उमस हो जाता है ना, उमस, समझते हैं ना, चिड़चिड़ी सी एकदम हमेशा मौसम रहेगा। कूलर भी चलाओगे ना तो सफोकेशन हो जाएगा, दम घुटने लगेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हवा में नमी या मॉइस्चर बढ़ जाता है, जिसको कि ह्यूमिडिटी कहते हैं। ड्राइनेस तो जब मॉर्निंग में होता है ना, जैसे धूप निकलती है सब कुछ सूख जाता है। हाँ, तो उस मौसम में होता है ना, एयर में नहीं होता। देखिए आगे देख सकते हैं, तो हम लोग एयर का जो भी मॉइस्चर होता है या जो नमी होती है हवा में, उसको कैसे मेजर करते हैं? ह्यूमिडिटी में। ह्यूमिडिटी जिस एयर की जितनी ज्यादा होगी मतलब कि उसका मॉइस्चर या उसमें नमी उतनी ही ज्यादा होगी। आगे देखते हैं, अंडर दिस कंडीशन द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डस नॉट इवेपोरेट रैपिडली एंड वी फील हॉट एंड अनकंफर्टेबल। देखो क्या होता है, बारिश के मौसम में अगर धूप खिल जाए ना तो क्या होता है, बाहर सूखा मौसम तो है नहीं, नमी वाला है, तो हमारे हमारा जो पसीना निकलेगा ना वो जल्दी भाप बनकर के उड़ेगा नहीं, पसीना जल्दी सूखेगा नहीं, तो हम लोग है ना अंदर अंदर घुटते रहेंगे। ठीक है, हम लोग को क्या कैसा फील हो लगेगा, जैसे कि दम घुट रहा है हमारा, ठीक है ना। और वही अगर गर्मी ज्यादा हो, सीधे धूप पड़ेगी तो पसीना निकलेगा, और थोड़ा भी छाव में हो जाए तो पसीना सूख जाएगा, इवेपोरेट हो गया पसीना, तो हमें आराम मिलता है। इफ द ह्यूमिडिटी इन एन एरिया इज जनरली हाई, द क्लाइमेट देयर इज सेड टू बी ह्यूमिड। अगर किसी इलाके में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, आर्द्रता ज्यादा हो, तो वहां के क्लाइमेट को क्या कहते हैं? ह्यूमिड क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज लो, वी से द ह्यूमिडिटी इज लो। अगर किसी जगह की, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी जो है अगर कम हो, ठीक है, मतलब वहां पे हवा में नमी कम हो, तो हम कहेंगे कि वो ह्यूमिड है ही नहीं। तो देखिए, व्हेन द ह्यूमिडिटी इज लो द एयर फील्स ड्राई। अगर हवा में ह्यूमिडिटी नहीं है, जैसे सर्दियों में या अप्रैल के महीने में, मई के महीने में जब बिल्कुल बादल नहीं बनते, केवल गर्मी गर्मी पड़ती है, तो मौसम ड्राई रहता है, सूखा रहता है। ठीक है, अंडर दोज दिस कंडीशन द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी इवेपोरेट्स रैपिडली एंड वी फील कूल एंड कंफर्टेबल। बेटे मम्मी आई क्या जी? कोई ना, घर पे कर लेगी, मैंने फोन पे भेज रखा है, देख लेगी, फोन से लिख लेना सारा। ठीक है, जितना तुम्हें समझ में आएगा वीडियो में अपलोड कर दूंगा रात को, उस वीडियो को पहले देखना, सवाल बनाने की कोशिश करना। ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो कल मैं आप लोगों को क्लास में समझा दूंगा। तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। अब हवा में कितना मॉइस्चर है, तो इसको 1 2 3 4 5 इस तरह नहीं बोलते, हम लोग परसेंटेज में उसको बताते हैं। मान लीजिए कि 100 ह्यूमिडिटी ऑफ 100%, अगर मान लो केवल हवा में नमी ही नमी है तो 100% हम कह सकते हैं। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मीन्स दैट द एयर इज सेचुरेटेड विद वाटर वेपर एट दैट टेम्परेचर। अगर हवा में क्या हो, हम कहें कि 100% ह्यूमिडिटी, समझने की कोशिश करें, मैं कहूं कि जो एयर था हवा उसमें 100% ह्यूमिडिटी, इसका मतलब पता है क्या है, अब उसमें नमी और नहीं हो सकती, उसको सेचुरेटेड कहेंगे, मतलब संतृप्त हवा, मैंने पूरा एकदम वाटर वेपर से भरा हुआ। और ऐसा कब होता है? ऐसा बारिश के समय। ठीक है, अ ह्यूमिडिटी ऑफ 50% मींस दैट द एयर कंटेन हाफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, मान लीजिए कि एयर में 50% ह्यूमिडिटी,
है, हवा में जो मॉइस्चर की जो क्षमता है, अमाउंट है, मॉइस्चर की जो मात्रा है 50% है। इसका मतलब अभी सेचुरेटेड होने में या पूरा वेपर से भरने में 50% और जगह है वहां पे हवा, और भी अगर मॉइस्चर होगा तो हवा उसको ले सकती है। ठीक है, 100% से ज्यादा क्या होता, कुछ नहीं। रेनफॉल मान लो इस गिलास की जो भी कैपेसिटी है, गिलास में पूरा पानी भर दो, तो सर गिलास में पानी भर देंगे तो उससे ज्यादा भरेंगे तो क्या होगा, वो गिलास लेगा ही नहीं, बाहर कहीं भी चला जाए उसमें तो आएगा, समझ रहे हैं बात को। देखिए तो रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। बारिश कहाँ पर कितनी होती है, इसको कैसे किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेन गेज। ठीक है, रेन गेज इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल एट द टॉप ऑफ द कलेक्टिव रेन वाटर। रेन गेज मेजर्स द रेनफॉल एट अ प्लेस इन अ यूनिट ऑफ मिली मीटर और एम। देखो मेरे पिताजी तहसीलदार थे, तो मैं जब छोटा था 6 क्लास में पढ़ता होऊंगा, ठीक है, तो वहां पर क्या था ना, जो उनके डिपार्टमेंट में और लोग होते थे उनको है ना हर बारिश के महीने में हर दिन रेन को मेजर करना होता था, कितनी बारिश इसका पता लगाना होता था, एक रजिस्टर मेंटेन होती थी हर दिन का, वो लिखा जाता। तो उसमें क्या होता था कि एक जैसे ग्राउंड है ना बिल्कुल हमारा जमीन, उसके अंदर खड्डा खोद दिया जाता था, सीमेंटेड रहता था, और उसके अंदर एक ट्यूब जैसी पूरे प्लास्टिक का, जैसे नहीं हम लोग जो मयूर जग होता है जिसमें पानी आपने देखा वो ठंडा रहता है, मयूर जग टाइप का ट्यूब होता था और उसके अंदर कांच की एक ट्यूब रखी जाती। थर्मामीटर आप लोग ने देखा है ना कैसे कांच की नली होती है, उसपे क्या कहते हैं ये पूरा टेम्परेचर लिखा रहता है, और इसमें एमएम पे मिलीमीटर में लिखा रहता है। तो अब जैसे मान लो कि आप बारिश पूरी हो रही है इलाके में और जमीन के लेवल में वो खड्डा है, तो बारिश आएगी तो उसके अंदर भी तो भरती जाएगी ना उस डब्बे के अंदर। ठीक है, वो ऐसा था ओपन से खुला हुआ था, ऐसे पानी जो भी आएगा उसमें भरता जाएगा। ठीक है, पानी भर जाएगा और जैसे ही बारिश खत्म हो गई या शाम के टाइम पे उसको पूरा निकाला जाएगा, तो देखा जाएगा कि उस कांच के ट्यूब में नली में कहां तक पानी भरा है, जैसे कि हम थर्मामीटर में देखते हैं, तो जहां तक पानी भर, हाँ जहां तक पानी, ये लगभग इतना बड़ा होता है ना, 100 मिलीमीटर का होता है, बड़ा साइज का होता है वो। ठीक है, मतलब आप समझ लो कि 2 फुट के करीब का होगा। तो जब पूरा जहां तक जिस लेवल तक पानी भरा रहता है ना उसको नोट कर सकते हैं, मान लो कि है ना 120 तक हुआ, 200 सेंटीमीटर तक हो गया या 100 मिलीमीटर तक हो गया, तो जितना हुआ बारिश हम जान जाते हैं उतनी बारिश। अब समझ में आ रहा है बेटा आपको? अच्छा, ये है रेन गेज, नहीं ये तो टेम्परेचर वाला, सॉरी रेन गेज इसमें दे नहीं रखा शायद टीचर्स। अब सुन रहे हो तुम्हें हो या नहीं? अब हम बात करेंगे वेदर की। वेदर द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर आप ऐसे, हाँ कर दो उसी पर नंबर लाइन पे। देखिए तो द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर एट अ प्लेस एंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन सनशाइन क्लाउड रेनफॉल एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट द प्लेस ऑफ दैट। दिन ब दिन, हर दिन एक दिन दूसरे से या दूसरा तीसरे से किसी प्लेस की या किसी जगह की दिन ब दिन जो एटमोस्फेयर में चेंज होता है। कल मान लो बारिश, आज पूरा धूप निकला हुआ है ना, सनी डे, हो सकता है कल रेनी डे हो जाए, परसों क्लाउडी डे हो जाए, क्लाउड क्यों हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, बाद में बताएं, अभी थोड़े रिकॉर्ड कर लें। तो किसी जगह की धूप में कल से आज में अंतर हो जाए, बारिश या रेनफॉल में कल बारिश नहीं हुई थी आज हो जाए, विंड स्पीड कल हवा बिल्कुल, आज हवा बिल्कुल धीरे चल रही है कल ज्यादा तेज हो जाए। ठीक है, तो
इस तरह के जो भी चेंज है सनशाइन में, क्लाउड में, रेनफॉल में, स्नोफॉल में, सनशाइन में, विंड की स्पीड में, विंड के डायरेक्शन में। कल पश्चिम से हवा बह रही थी वेस्ट साइड से, आज ईस्ट की तरफ से, पूरब की तरफ से बह रही है। कल क्लाउड नहीं था, आज क्लाउड है। तो इस तरह का जो एक दिन से दूसरे दिन में जो चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन वेदर। तो वही वेदर का चेंज कहा जाएगा। समझ में आया तुम्हें? नहीं आया? पक्का? बढ़िया। सो नहीं आया? कल हर दिन जो है ना मौसम में जो चेंज आता है ना उसी को वेदर चेंज करते। कल क्लाउड था, आज क्लाउड नहीं है, आज बारिश हो गई, आज धूप हो गई, आज धूप है, कल धूप ना हो, कल बारिश हो जाए, ठीक है। आज हवा धीरे बह रही है, कल हो सकता है तेज बह जाए। तो एक दिन से दूसरे दिन को कंपेयर करेंगे ना तो पता चल जाएगा। जैसे आज हम दिन देख लेते हैं और कल देख लेते हैं, कल हवा बिल्कुल नहीं बह रही थी, आज भी वैसा है। कल धूप थोड़ी कम थी, आज ज्यादा तेज, आज ज्यादा गर्मी, ठीक है। कल बारिश थी, अब बिल्कुल बारिश नहीं थी, आज भी बारिश नहीं। तो हो सकता है 2 दिन में कोई चेंज ज्यादा नहीं हो या कुछ चेंज भी हो जाए। जब चेंज होगा तो वेदर का चेंज कहेंगे। आज धूप है ना, अगर मान लो 2 दिन बाद बारिश हो जाए तो हम कहेंगे ना भाई वेदर का चेंज है, क्योंकि 1-2 दिन में बारिश नहीं हुई थी लेकिन अगले दिन बारिश हो गई, ठीक है। तो द मेजर एलिमेंट ऑफ वेदर एट अ प्लेस आर, मेजर एलिमेंट क्या है, मतलब वेदर में क्या चीज है जो चेंज होता है। कल का वेदर और आज का वेदर में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना, तो क्या मेजर चीज क्या है। मान लो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कल ज्यादा था, कल कम था, ज्यादा हो गया। एयर प्रेशर, कल वायु दाब या एयर प्रेशर कम था, आज ज्यादा हो गया, कल ज्यादा था, आज कम हो जाए, ठीक है। इसको भी कुछ समझ सकते हैं। ह्यूमिडिटी मैंने आपको बता ही दिए, कल बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं था, आज हो सकता है कि एयर में मॉइस्चर बढ़ जाए, उमस बढ़ जाए, तो उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ये सारी चीजें, विंड की स्पीड, विंड का डायरेक्शन, हवा का, हवा की दिशा, किस दिशा से हवा आ रही है, हवा या विंड की स्पीड क्या है, ये सारी चीजें, क्लाउड्स, रेनफॉल, ये सारी चीजें देख के हम बता सकते हैं। ये वेदर के मेजर एलिमेंट कहे जाते हैं, ठीक है। तो वेदर के मेजर एलिमेंट क्या होंगे, मैंने आपको वीडियो में दिख जाएगा, मैंने टिक लगा रखा है, ठीक है। इसको वेदर को हिंदी में क्या कहते हैं, मौसम का, है। वेदर इज नेवर कॉन्स्टेंट एनीवेयर, मतलब कि वेदर कभी भी किसी जगह पे एक जैसा नहीं है। क्लाइमेट को एक जैसा रहता है, मौसम महीनों में, कुछ महीनों में चेंज हो गया, लेकिन वेदर कभी भी चेंज नहीं होता, वेदर चेंज होता रहता है, सॉरी, एक जैसा नहीं रहता। अब खुद सोच लीजिए, कल विंड स्पीड नहीं थी, आज हो सकता है विंड स्पीड बढ़ जाए, कल कम धूप थी, आज ज्यादा धूप, अभी थोड़ी देर में बारिश हो जाए, तो कल बारिश नहीं थी, आज बारिश हो गई ना। तो इस तरह से वेदर कभी भी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता। व्हाई प्रोड्यूसेस वेदर, व्हाट प्रोड्यूसेस वेदर, जो वेदर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या बनाता है, क्या देता है, चलिए देखते हैं। वेदर इज प्रोड्यूस, सॉरी, वेदर को कौन बनाता है, थोड़ा मिस कर गया, वेदर कैसे चेंज होता है। अब देखिए, वेदर इज प्रोड्यूस्ड बाय हीट ऑफ द सन एंड द इफेक्ट इट हैज ऑन द एटमॉस्फेयर। सूरज की जो गर्मी है, ठीक है, सनलाइट जो हमको मिलती है उससे पता है गर्माहट मिलती है, तो सनलाइट के मिलने से ही वेदर का सारा चेंज होने का कॉन्सेप्ट। सनलाइट कम मिलेगी तो विंटर होगा, ज्यादा मिलेगी तो समर होगा। सनलाइट अगर ज्यादा पड़ने लगे वाटर बॉडी पे तो फिर क्या होगा, रेनी सीजन आ जाएगा, क्लाउड बने रहेंगे। तो सन की हीट में या टेम्परेचर में कमी या अधिकता, मतलब कि लेस और मोर अगर होने लगे तभी हम कहेंगे कि वेदर में चेंज हो रहा है, वही वेदर को चेंज कर सकता है। तो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह के वेदर के चेंज का, सन। अब देखो कैसे, दिस हैपन एज फॉलो, द सन इज ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। नाउ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज वेरी लार्ज, इवन देन इट इज द सोर्स ऑफ ऑल द हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। सन क्या है, गर्म गैसों का गोला है, हाइड्रोजन और हीलियम का, हाइड्रोजन 97% है, और वहां से क्या होता है, हमको हीट मिलती है।
अलग अलग मौसम में अलग अलग टाइम पे हीट भी हमको कम या ज्यादा मिलती है, सर्दियों में कम मिलती है, उससे ज्यादा स्प्रिंग में मिलती है, स्प्रिंग के मौसम में बसंत के मौसम से ज्यादा कम मिलती है समर में, ठीक है। फिर समर से कम कम अगर देखो तो ऑटम में कम हो जाता है, फिर ऑटम से और कम विंटर में हो जाता है, तो टेम्परेचर चेंज होता रहता है ना। द अर्थ सॉरी द हीट एनर्जी ऑफ द सन एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस ओशियंस एंड एटमोस्फेयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर ऑफ एनी प्लेस। देखो सन की लाइट अर्थ पे आती है, ठीक है, सन की लाइट अर्थ पे आती है तो क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है, टकरा करके लौटती भी है ना लाइट। उसके बाद क्या होता है कि ओशियन से टकराएगी, तो टकराएगी तो लौटेगी तो क्या होगा, जब जल गर्म होगा पानी गर्म होगा तो अपने साथ भाप बनाएगा, और लाइट लौटेगी तो भाप लेके लौटेगी। बंदर कैसे सरवाइव करते हैं हमारे और आपकी तरह छांव में बैठ जाते हैं, बिल्कुल एसी कूलर तो नहीं लगा सकते, लेकिन वो ज्यादा उनके बॉडी में एडॉप्टेशन ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ह्यूमन से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो किसी जगह का वेदर किस तरह से डिटरमाइंड होगा, कैसे डिसाइड होगा कि जो सनलाइट पड़ रही है उसका कितना अमाउंट रिफ्लेक्ट होकर के लौट, जितना अगर ज्यादा से ज्यादा लौट जाए तो सर्दी पड़ जाएगी और कम से कम लौटे तो गर्मी रहेगी। जैसे देखो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है ना, बारिश का मौसम होता है, वो कैसे होता है, सूरज की गर्मी ज्यादा से ज्यादा वाटर बॉडी पे पड़ती है, मतलब कि समुद्रों पे, ओशियंस के पानी पे, गर्म होकर के क्या होता है वो पानी भाप बनती है, वेपर बनता है और इवेपोरेट होकर के ऊपर उठती है, ऊपर उठेगी हवा के साथ तो क्या होगा, धीरे धीरे वो ठंडी होती जाएगी और बादल बन जाएगी, बादल और ऊपर जाएंगे तो और ठंडा होंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना तो टेम्परेचर घटता जाता है, हर 1 किलोमीटर की हाइट पे जाने पर टेम्परेचर माइनस सॉरी 6.5 डिग्री मैंने 6.5 डिग्री कम हो जाता है। जैसे मान लो बेटा अभी 32, अभी मान लो 36 डिग्री टेम्परेचर है, 36.5 डिग्री, 36.5, तो मतलब 1 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे ना हाइट पे तो पता है कितना टेम्परेचर होगा, ओनली 30 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस, और 1 किलोमीटर चले जाओगे तो क्या होगा, 24.5 डिग्री, समझ रहे हैं। इस तरह तो इस तरह हम कह सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ वेदर आर कॉज्ड बाय द सन, जितने भी तरह के वेदर हो रहे हैं सन के द्वारा डिसाइड हो रहे हैं। अगर वाटर वेपर कम बन करके हो, इतनी गर्मी ना पड़े कि पानी गर्म होकर भाप ना बने तो क्या होगा, बादल बनेंगे नहीं, बारिश होगी नहीं ज्यादा। देखो क्या होता है, तो आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, अप्रैल और मई में बारिश क्यों नहीं होती, गर्मी तो उस समय भी पड़ती है लेकिन जून जुलाई में पड़ती है, क्योंकि बेटा वो उतने ज्यादा पानी को गर्म होने में, गर्म होकर के भाप बन करके ऊपर उठने में, बादल बनने में टाइम लगता है, 2 महीनों में ये काम पूरे चित्र हो जाता है। अब बादल हमेशा बनते जा रहे हैं और जून जुलाई में भी गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो बादल बनते जाते हैं, बारिश होते जाती है, बनते जाते हैं, बारिश होते जाती है, लेकिन कुछ महीने अप्रैल मई तक ये बादल बनने में लग जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है ये लास्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर कल आप लोग उतर आए, मुझे पता है रीडिंग करके ना आपको 0% फायदा हो रहा था, जब सारे बच्चे आए ना तो समझ में आता है।
हाइएस्ट टेम्परेचर रीच ड्यूरिंग अ डे इज कॉल्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर. दिन के टाइम में 3 बजे दोपहर में, दोपहर का 3 बजे है ना, अभी अभी 4 बज गए, 3 बजे आप लोग आए थे, ये दिन का सबसे गर्म समय होता है. सबसे अधिक गर्मी दोपहर के 3 बजे पड़ती है, और सुबह के 4 बजे मॉर्निंग में, एक चेयर ले लो वहां से वहां लगा लो, मॉर्निंग के 4 o'clock होता है जो सुबह का टाइम होता है, आप लोग वहीं क्यों नहीं अंदर अंदर रहो, वहीं आ जाओ तुम भी, वहां हवा लगी अच्छी. मॉर्निंग के 4 o'clock सबसे अधिक सर्दी रहता है, मतलब कि सबसे कम टेम्परेचर होता है. तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कब हो गया, आफ्टरनून या दोपहर में मैक्सिमम टेम्परेचर और अर्ली मॉर्निंग में मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है. अब देखो हम लोग न्यूज में सुनते हैं ना कि 2 दिन बाद आंधी एवं तूफान के साथ बारिश की आशंका है, ठीक है, या घोषणा कर देते हैं, न्यूज में आ जाता है ना कि कल आप लोग है ना समुद्र के किनारे मत जाइएगा, ऊंची लहरें उठने वाली है. तो वेदर को लेकर के 1-2 दिन में जो भी वेदर में चेंज होने वाला है उसका जो भी भविष्यवाणी किया जाता है, प्रिडिक्शन किया जाता है, उसको प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी को प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, मतलब मौसम की पूर्व संभावना, संभावना बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं. जो बेटा वेदर के, जो भी मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वेदर साइंटिस्ट होते हैं ना, ठीक है, वो सैटेलाइट से पिक्चर देखते हैं कि हवा किधर से बह रही है, वो एयर में मॉइस्चर कितना है, ऊपर क्लाउड कौन से बन रहे हैं, कौन सा तूफान बन रहा है, उसके आधार पर वो भविष्यवाणी करते हैं. ये मुन्ना जलेबी वाला नहीं कर सकता, उसको इतना होगा, समझ में. तो देखिए वेदर एक्सपर्ट्स ओके और साइंटिस्ट use the various type of data collected by earth station in different part of the country as well as by the satellite orbiting high up in the sky to predict weather or forecast weather well in advance. The scientific study of weather is called meteorology. मौसम या वेदर का जो भी रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट लोग, जो रिसर्च करते हैं, तो ऐसा साइंस जिसमें मौसम के बारे में, वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में केवल स्टडी करें, साइंटिस्ट लोग रिसर्च करें, उस साइंस को मेट्रोलॉजी कहते हैं. ये वन वर्ड में आपके पेपर में आएगा, मैंने अंडरलाइन यहाँ कर दिया, सर्कल कर दे रहा हूँ, वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा. और जो लोग भी ऐसी स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है. स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता है, मेट्रोलॉजिस्ट. एक कुर्सी सोनी पीछे से ले ले बेटा. आगे देखिए, अब वेदर रिपोर्ट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं. आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना, अब कल आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं इसमें से करा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं.